राज्यसभा सांसद बने समाजवादी पार्टी के नेता सुरेंद्र नागर के स्वागत में समर्थकों ने डीएनडी पर लगाया जाम, परेशान दिखे मुसाफिर। लखनऊ में सीएम के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज, भगदड़ में कई लोग घायल। हरियाणा में जाट आंदोलन को मिला अभय चौटाला का समर्थन, रोहतक पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से कहा एक कदम भी पीछे नहीं हटना। शिमला में सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज हिमाचल यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन, वीसी की निकाली शव यात्रा। कानपुर में दो दो कारों में टक्कर, कार पलटने के बाद भी उसमें सवार लोग महफूज, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। वाराणसी में गैस रिफिलिंग करते समय दुकान में फटा सिलेंडर, हादसे में चौकी इंचार्ज समेत कई लोग घायल। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में एक तरफा प्यार में एक शख्स ने विधवा पर फेंका तेजाब, पीड़ित महिला अस्पताल में पड़ती, आरोपी फरार। गाजियाबाद के पास ट्रेन की छत पर सफर कर रहे चार युवक करंट की चपेट में आए, दो की हालत गंभीर। हापुड़ में दो दिन पहले नेशनल हाईवे पर ट्रक लूटने वाला लुटेरा गिरफ्तार, हथियार के साथ लूट का ट्रक बरामद। कैराना से हिंदुओं के पलायन की जांच करने पहुंची बीजेपी की टीम, घर घर जाकर जांच के बाद अमित शाह को सौंपेगी रिपोर्ट, स्थानीय लोगों ने विरोध में उठाई आवाज। आगरा में सड़क हादसे में युवक की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने बस में की तोड़फोड़। बाराबंकी में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद, तीन गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की थी छापेमारी। आगरा में हाईवे पर चूड़ी कारोबारी के नौकर और ड्राइवर से 46 लाख की लूट, बैंक से पैसे निकालकर फिरोजाबाद लौट रहे थे दोनों। हाथरस में बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़, गोली लगने से दो बदमाश घायल, तीन पुलिसकर्मी भी घायल। झांसी में पंप पर तेल भरवाते समय बाइक सवार युवकों की पंप कर्मचारी से मारपीट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। अलीगढ़ में आर्य समाज की ओर से छात्राओं को लव जिहाद के खिलाफ दी जा रही है ट्रेनिंग, कैंप लगाकर दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आगरा के लीलाधर अस्पताल में डॉक्टरों पर एक तीमारदार की पिटाई का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। मैनपुरी में भूमि विवाद में दबंगों ने पिता पुत्र को मारी गोली, हादसे में पिता की मौत, बेटा बुरी तरह घायल। संभल में चोरों ने आरटीओ दफ्तर को बनाया निशाना, इन्वर्टर कंप्यूटर समेत लाखों का माल लेकर फरार। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने एनएच पर लगाया हंगामा, अखिलेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सीतापुर में एक घर में घुसकर लूटपाट, लूट का विरोध करने पर घर के मुखिया की हत्या, हमला में पत्नी और बच्चा घायल। कोरोना में तेज आंधी के बाद कई इलाके में बाद भी बिजली नहीं, महिलाओं ने सड़क पर जमकर किया प्रदर्शन। गोरखपुर में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में गोलीबारी, समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता ने पुलिस पर हिरासत में मारपीट का आरोप लगाया। झांसी में अपने ऊपर चोरी और चरित्र हनन का आरोप लगाने पर नाबालिग लड़की ने की खुदकुशी, आरोपियों पर अब तक कार्रवाई नहीं। कानपुर में आज झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, तापमान में भारी गिरावट। बिहार टॉपर्स घोटाले में फरार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद का करीबी अनिल कुमार हिंसा से गिरफ्तार, लालकेश्वर के खिलाफ वारंट जारी। दरभंगा में कारोबारी हीरा पासवान मर्डर केस में परिजनों का आरोप, हत्या और आरजेडी विधायक ललित यादव का हाथ, जमीन विवाद में विधायक से मिली थी धमकी। गया में पुलिस को बड़ी कामयाबी, तीन हार्ड कोर नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। कटिहार में खेत में बकरी चरने पर एक युवक की गला देकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बगहा में बाइक पर जा रहे पत्रकार से हथियार के दम पर लूट, पर्स और कैमरा लूटने के बाद जान से मारने की कोशिश। कोटा में डीआरएम दफ्तर पर एसीबी का छापा, रेलवे के दो बड़े अधिकारी घूस लेते पकड़े गए, 2 लाख कैश भी बरामद। सीकर में कारोबारी को गोली मारकर 5 लाख लूटकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश, अस्पताल में भर्ती कारोबारी की हालत नाजुक। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के शिशु वार्ड में मरीज का परिजनों और सुरक्षा गार्डों से मारपीट, जमकर हुआ हंगामा। कोटा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। बाड़मेर में अवैध शराब से लदा ट्रक जब्त, भारी मात्रा में शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। झुंझुनू में बदमाशों के हमले में घायल एटीएम गार्ड की मौत से लोगों में गुस्सा, मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर किया प्रदर्शन। बीकानेर में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के गुर्गे की कोर्ट में पेशी, 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। भरतपुर में अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। धौलपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से 2 लोगों की गई जान, 3 घायल, झूलते तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। जोधपुर में बीच सड़क ट्रैफिक सिपाही और महिला होमगार्ड के बीच नोकझोंक, एक टैक्सी का चालान काटने को लेकर हुआ हंगामा।
राजस्थान के बाड़मेर में अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान, पुलिस की मौजूदगी में रेलवे स्टेशन से अंबर सिनेमा तक रोड के दोनों किनारे लगी दुकानें हटाई गई। धौलपुर में नकली इंजन ऑयल बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर में छात्रा डेल्टा मेघवाल हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। जम्मू कश्मीर के डोडा में सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 6 छात्रों की बिगड़ी तबीयत, सभी अस्पताल में भर्ती। केदारनाथ में श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी, बुकिंग कराने के बाद भी नहीं मिल रही हेलीकॉप्टर सेवा। जालंधर में 4 किलो हेरोइन के साथ पकड़े गए 2 नाइजीरियन, एक लड़की भी शामिल। जालंधर में प्रॉपर्टी डीलर किडनैपिंग केस में पुलिस का खुलासा, 1 करोड़ की फिरौती के लिए हुआ अपहरण, 4 लोग गिरफ्तार। अमृतसर में पुलिस की गिरफ्त में आया नकली इंस्पेक्टर, वर्दी का रौब दिखाकर लोगों से करता था ठगी। मोगा में तेज आंधी और बारिश में गौशाला की छत गिरने से 3 महिलाओं की मौत, आंधी से बचने के लिए ली थी शरण। पठानकोट के जंडी गांव में 100 से ज्यादा परिवार के लिए सिर्फ 1 हैंडपंप, प्रशासन ने अब तक नहीं ली सुध। गुड़गांव में हुडा सिटी सेंटर के पास बेकाबू एसयूवी ने एम्बुलेंस को मारी टक्कर, हादसे में बुजुर्ग महिला मरीज की मौत। गुड़गांव पुलिस की आईटी सेल में सेन, फिल्म अभिनेत्रियों की कॉल डिटेल निकालकर 5,000 में बेचता था इंजीनियर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुड़गांव में चलती कार में लगी आग, दमकल की गाड़ी पहुंचने तक गाड़ी जलकर खाक। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान पत्नी की संदिग्ध मौत को लेकर दिल्ली में पति गिरफ्तार, गला दबाकर खाई में फेंकने का आरोप, 3 महीने पहले हुई थी शादी। हिमाचल पर परिवहन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद वापस ली हड़ताल। मुरैना में टोल नाके पर ट्रक ऑपरेटरों और टोल कर्मचारियों के बीच हिंसक झड़प, 2 लोग घायल, बुरी वारदात सीसीटीवी में कैद। इंदौर में घर में काम कर रही असम की नाबालिग लड़की को पुलिस ने कराया आजाद, दिल्ली की एक एजेंसी को 24,000 रुपए देकर लाया था परिवार। भिंड में शराब के ठेके के बाहर से बाइक उड़ा ले गए चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया स्कूल चलो अभियान की शुरुआत, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाने का लक्ष्य। राजनांदगांव में डीएम की फरमान से गुस्से में टीचर, शिक्षकों को उनसे उनके इलाके में खुले में शौच करने वालों को रोकने के लिए लगाई गई ड्यूटी। बीजापुर में नक्सलियों का साथ नहीं देने पर पंचायत नेता की हत्या, घटना से दहशत में है लोग। बस्तर में 47 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर, 4 इनामी नक्सली समेत 15 महिला नक्सली भी शामिल। कांकेर में 25 लाख के कैंटीन घोटाले में आरोपी ने पुलिस के सामने किया सरेंडर, काफी दिनों से थी तलाश। जशपुर में दूषित पानी दूध पीने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की बिगड़ी तबीयत, सभी अस्पताल में भर्ती। रायपुर में भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल, 47 डिग्री पहुंचा तापमान, 20 जून तक मानसून पहुंचने की उम्मीद। इंदौर में गंभीर बीमारी से जूझ रहे परिवार ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की, घर के 4 सदस्य प्लास्टिक एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी से की चपेट में। मुंबई के नेहरू नगर में नाबालिग लड़की से रेप का सनसनीखेज मामला, ऑटो ड्राइवर पर लगा आरोप, 1 आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। नासिक में 2 घंटे की सर्जरी के बाद बची सांप की जान, धामन सांप के शरीर में फंसी थी प्लास्टिक की डिब्बी। भीड़ में लोगों ने आपस में चंदा कर सरकारी कुएं को जिंदा किया, सूखे की मार झेल रहे लोगों को बड़ी राहत। गुजरात के नर्मदा में हर घर में शौचालय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नई पहल, स्कूलों में हाजिरी के वक्त बच्चों से ली जाती है जानकारी। वेस्ट मिदनापुर में कॉलेज से लौट रही छात्रा पर एक युवक ने फेंका तेजाब, पूरी तरह घायल छात्रा की हालत गंभीर। हावड़ा में गैस एजेंसी मालिक के दफ्तर में घुसकर हथियार के दम पर लूटपाट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। आसनसोल में चाय की दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक, हादसे में 2 की मौत, 2 घायल, गुस्साए लोगों ने ट्रक में की तोड़फोड़, हाईवे पर लगाया था। बर्धवान में सीपीएम कार्यकर्ता की हत्या के बाद हिंसक झड़प, तृणमूल समर्थकों पर लगा हत्याकारों। तृणमूल नेता मुकुल रॉय ने झारग्राम में कनक दुर्गा मंदिर में की पूजा, ममता सरकार के लिए मांगी दुआ।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों में मुठभेड़ में एक आतंकी को किया ढेर, एक जवान की शहीद। शोपियां में सुरक्षा बलों ने पर ग्रेनेड से हमला, हमले में 3 लोग घायल, पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। दिल्ली में सीआरपीएफ मुख्यालय में तैनात जवान ने की खुदकुशी, खुदकुशी की वजहों का पता नहीं। दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में बच्चे की मौत पर बवाल, गुस्साए परिजनों ने डॉक्टरों से की मारपीट, विरोध में हड़ताल पर गए डॉक्टर। दिल्ली के जगतपुरी में पार्किंग को लेकर विवाद में 2 गुटों में मारपीट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कर्नाटक के धारवाड़ में बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा की बेरहमी से हत्या, अज्ञात हमलावरों का नहीं मिला कोई सुराग। केरल के कोल्लम में कोर्ट परिसर में धमाके से अफरा तफरी, हादसे में एक शख्स मामूली रूप से घायल। चेन्नई से 100 किलोमीटर दूर मेलवरम राथोर गांव में लोगों ने करीब 50 आवारा कुत्तों को जिंदा जलाया, ग्रामीणों का आरोप बकरियों और गायों पर करता था हमला। विशाखापट्टनम के करीब 7 लाख के नकली नोट के साथ पकड़े गए 3 लोग, पुलिस कर रही है पूछताछ। तेलंगाना में कांग्रेस को झटका, नालगोंडा के सांसद जी सुकंदर रेड्डी समेत 5 नेता टीआरएस में शामिल। उत्तराखंड की टिहरी में बादल फटने से कई जगहों पर टूटी सड़कें, जानमाल को नुकसान नहीं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने दिल्ली में दाल मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, लोगों को सरकारी दाम पर मिलेगी दाल। यूपी के फर्रुखाबाद में बेटे की मौत के बाद 65 साल के बुजुर्ग ने पेड़ पौधों को ही मान लिया परिवार, 14 सालों में लगा चुके हैं 1000 पेड़। अहमदाबाद के अंजुमन इस्लामिया स्कूल में 21 जून को होने वाले योग दिवस की अभी से तैयारियां, योग सीख रही है छात्राएं। सात साल पहले हादसे के बाद जिस जवान को सेना ने मृत घोषित कर दिया था वो जिंदा होकर अपने घर लौटा, परिवार के लोग भी हैरान। हिमाचल में शिमला समेत कई जगहों पर मूसलाधार बारिश, अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। गुवाहाटी में सिलचर से आ रही बस 500 फीट गहरी खाई में गिरी, अब तक 11 लोगों के शव बरामद, राहत और बचाव कार्य जारी। यूपी के गाजियाबाद में बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस हुई ट्रैफिक पुलिस, पुलिसकर्मी अपनी वर्दी पर लगाकर ट्रैफिक पर रखेंगे नजर। ऋषिकेश में टूरिज्म जोन में जेट बोट का धड़ल्ले से संचालन, दोस्तों और रिश्तेदारों को जेट बोट में बिठाकर गंगा की सैर करवा रहे संचालक। हवाई मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, कैबिनेट ने नई एविएशन पॉलिसी को हरी झंडी दी, 1 घंटे के सफर के लिए 2500 रुपए से ज्यादा का टिकट नहीं चलेगा। गंगा दशहरा पर देवघर में श्रद्धालुओं का लगातार था मुंडन, जनेऊ और शादी के लिए जुटती है। विश्व रक्तदान दिवस पर मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव ने सहरसा में किया रक्तदान, लोगों से ब्लड डोनेट करने की अपील की। इस साल बद्रीनाथ यात्रा में टूटे सारे रिकॉर्ड, 1 महीने में करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। भुवनेश्वर में राजा फेस्टिवल को लेकर लोगों में उत्साह, 3 दिनों तक चलेगा उत्सव। मॉनसून के दौरान गोवा में सैलानियों को लुभाने के लिए किए जा रहे हैं खास उपाय, टूरिज्म विभाग की ओर से पारंपरिक गोवा फेस्टिवल का